अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो भाई आप लोग सोच रहे हो भाई भाई का ब्लॉग भाई बड़े दिनों बाद आ रहे हो भाई, चैनल में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी भाई, इसलिए भाई चैनल पे वीडियो नहीं डल पा रही थी और ना भाई मेरे फ़ोन में चैनल खुल पा रहा। तो भाई माशाल्लाह से भाई फाइनली फ़ोन में चैनल खुल गया। तो भाई आज का ब्लॉग होने वाला भाई G20 पर। तो भाई आप लोगों को भाई आधे से आधे लोगों को तो भाई पता होगा भाई G20 क्या है। भाई हमारे हमारे देश की जितने भी अच्छी अच्छी जगह भाई सब डेकोरेशन हो रही है, लाइटिंग वगैरह हो रही है भाई। इसलिए हमारी दिल्ली जाम मस्जिद के पास जो है पूरी डेकोरेशन हुई है, पूरी अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग हुई है। भाई मैंने सोचा आपके लिए स्पेशल और अच्छा सा ब्लॉग हो जाता है, कुछ यूनिक ब्लॉग हो जाएगा आपके लिए। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, फिर जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई देखो अभी हम आ चुके हैं जाम मस्जिद के पास ही। तो भाई हमारे साथ है भाई रानू भाई और मुदम्बिल भाई। तो ये देख लो ये रहे दोनों भाई। तो भाई अभी यहाँ से देखो भाई बिल्कुल जो आपको भाई मेन मुद्दा होगा ना, जो मेन चीज़ होगी दिखाने की, वो तो सिर्फ तुम्हें भाई सामने चल के दिखेगी। ये देखो तो भाई यहाँ से देखो अभी यहाँ तक की डेकोरेशन देख लो, देखो कितनी माशाल्लाह से भाई कितनी अच्छी हुई है, वाइट ऑरेंज ग्रीन देखो भाई ऐसी ऐसी हुई है। ये देखो देखते जाओ भाई देखो माशाल्लाह। भाई अभी आ चुके हैं भाई गेट नंबर 1 के पास। देखो भाई यहाँ पे भाई पुलिस फोर्स भी इतनी लगी है और भाई देखो क्राउड देखो भाई यहाँ पे कितना है भाई माशाल्लाह पब्लिक। देखो भाई ये देखो भाई आसमान वाली लाइटिंग भी हुई है देखो, और देखो भाई छतरी वगैरह वाली लाइटिंग, और देखो भाई यहाँ की भाई सेफ्टी के लिए भाई बेरियल वगैरह लगा दिए भाई पूरे ही। देखो भाई जितने भी बेरियल देखो ये देखो, और भाई यहाँ से भाई छतरियाँ देखो ये देखो देखो ये देखो भाई छतरी। तो भाई यहाँ से दिखाने स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई माशाल्लाह देखो भाई सारी भाई यहाँ पे भाई छतरियाँ वगैरह लग चुकी है और भाई लाइटिंग वगैरह भी। तो भाई अभी आपको अंदर के साइड चल के दिखाते हैं। देखो भाई जो है शावर वगैरह चाहिए। तो भाई देखो भाई अभी अंदर के साइड आ चुके हैं भाई, यहाँ का भाई क्राउड देखो भाई पब्लिक देखो भाई कितनी आ चुकी है। ये देखो भाई देखो भाई देखो भाई यहाँ पे भाई ये डिस्को वाली लाइट लगवा रखी है जो भाई पूरे आसमान पर घूम रही है, और ये देखो भाई जो शावर चल रही है देखो। और ये भाई पूरी है मतलब झोपड़ी की तरह बना रखी है यहीं जाम मस्जिद के बाहर ही इधर। तो भाई माशाल्लाह अच्छी लग रही है। देखो भाई यहाँ की साइड भाई पेड़ पौधे भी सब कुछ लगा रखे हैं। ये देखो भाई देखो भाई आपने भाई माशाल्लाह से भाई यहाँ का तो देख ही लिया हो भाई कितना अच्छा लग रहा है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे भाई क्राउड देखो भाई माशाल्लाह से भाई पब्लिक देखो भाई कितनी है। और देखो भाई चारों साइड भाई छतरियाँ लगी हैं और देखो भाई यहाँ पे भाई ज़्यादातर भाई लोग पिक क्लिक करा रहे हैं फोटो वगैरह। और देखो ये देखो भाई पूरा जाम मस्जिद के बाहर सजा रखा है। ये भी देखो ये देखो भाई पब्लिक इतनी है ना भाई क्राउड इतना भाई क्या बताऊँ। देखो भाई एक वहाँ पे लगवा रखा है शावर और एक यहाँ पे लगवा रखा है, और ये देखो भाई छतरियाँ देखो भाई लाइटिंग इतनी प्यारी हो गई ना भाई, ज़्यादातर भाई लोग यहाँ पे भाई फोटो वगैरह ही क्लिक करा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे भी ये देखो भाई क्राउड इतना है ना देखो भाई माशाल्लाह भाई इतनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है। देखो भाई इधर भी कर रखी है इधर भी कर रखी है, और भाई ये भी देखो जाम मस्जिद गेट नंबर 1 पे भी जिसका भाई मेन गेट के अंदर जो भाई लोग भाई एंटर लेते हैं देखो भाई अंदर की साइड भी कर रखी है। और ये देखो भाई जो भाई वहाँ पे ना लाइटिंग लगा रखी है सावर की साइड जो भाई पूरे आसमान पर हो गए। ये देखो भाई एकदम भाई पब्लिक और क्राउड चेक करो देखो भाई कितना क्राउड है और देखो भाई कितना खड़ा होगा। ये देखो भाई G20 का भाई लोगो लगा रखा है भाई कमल के फूल के साथ। देखो भाई ये देखो भाई भाई लोगो देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है भाई पूरे G20 बना हुआ। ये देखो भाई यहाँ पे भाई ग्रीन कलर का पेड़ लगवा रखा भाई जलबूज हो रही है भाई। देखो ये भी भाई एक तरीके से भाई बड़ी अच्छी डेकोरेशन हुई है। ये देखो भाई क्राउड तो भाई पूछो नहीं भाई अनलिमिटेड क्राउड हो रहा है। भाई अभी आ चुके भाई फरहान भाई भाई हाजी सलीमुद्दीन और भाई सदर साहब का भाई इंटरव्यू लेने बबलू भाई का। ये देखिए भाई अभी इनका सेटअप हो रही है, ये इनकी लाइटिंग वगैरह। तो अभी आप फिर आपको इनका इंटरव्यू दिखाते हैं। देखिए भाई अभी पूरा सेटअप तैयार हो चुका भाई
ये भाई देखो यहाँ पे सब कुछ खड़ा है, देखो ये देखो भाई फरहान भाई ने अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। देखिए देखो भाई आपको इनकी आवाज़ आ रही होगी, जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखिए भाई ये रहा बबलू अंकल, नाइम भाई, हाजी सलीमुद्दीन। जो ताज है पूरे हिंदुस्तान का, जो गर्व है पूरे भारत का, आज वहाँ पर अगर सरकारों ने नहीं सजाया तो कोई बात नहीं, इलाके को निगलेक्ट किया, नजरअंदाज किया तो कोई बात नहीं, लेकिन हौसलों की उड़ान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यही वो बात है कि जो शाही है परवाज है नाम की दिखाया है, और ये आज दुनिया के आगे जो तस्वीर जा रही है इन्होंने साबित किया कि वाकई जो शाही है परवाज है नाम की। हाजी सलीमुद्दीन जो कि है जाम मस्जिद मार्केट के सदर, और भाई ये है बबलू भाई जो कि है मोटर मार्केट के सदर। ये देखिए भाई अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो के बाद मेरे हिसाब से इस तरह सा कोई सजाया गया हो उस मार्केट को किसी को और जो हम कहते थे हम अपने खाते थे कई बच्चे लेके जाएंगे का इवेंट, और कितना प्यारा ये बच्चे देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे 12:30 बज रहे हैं रात के, और ये G20 के जिले फोटो खिंचवाने के लिए आए हुए हैं। कितनी खूबसूरती है, क्या है G20 के अंदर ऐसा, ये देश के लिए प्यार है इन बच्चों का, ये हमारे और ये हौसला जज्बा इस दूध से मोहब्बत, सच बताऊं तो रब नहीं है इस खूबसूरती को बयान करने के लिए आप लोगों को जामा मस्जिद की जमीन नंबर 1 पर पहुंचाने आया हूं दिखाने। हम ये आपसे पूछना चाहता हूँ कहीं ना कहीं ये सब तो है कि अगर ये हुकूमत ही कर देती तो जरूरत ही हमें नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत तो फील होता है इस बात का कि हमारे हिंदुस्तान में जितने सब जगह सजे अच्छी तरह से ध्यान से रखा हमारी जामा मस्जिद की, लेकिन हमने अपनी जामा मस्जिद को भी कहीं पीछे नहीं रहने दिया, और आपके सामने जो कुछ किया है ये आप दिखा सकते हैं।
बिल्कुल उन्हीं दिखाने की मेरी एक कोशिश है। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट मंजर भाई शॉपकीपर आदम जो है, आदम आपके लिए एक सवाल मेरा जरूर बनता है। एक रिपोर्ट हम लोगों ने कल दिखाई, बेहद ही बदनुमादार दिल्ली का, वो भी शाहजहाना वासी जामा मस्जिद इलाके के बिना बताने का, बेहद ही बुरा हाल इस तरीके से कैसे निगलेक्ट किया गया हो जान पहुँच करके। लेकिन आज आपने भले ही गेट नंबर दो नहीं मीना बना ली, गेट नंबर एक ही सजा दिया, दुनिया को दिखा दिया। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ, हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जहाँ के हैं हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हमने गेट नंबर एक सजाया है, कल जो भी गेट नंबर टू है, मीना बाजार है या आसपास की जो जगह है, उन सबको भी हम सजाने का जिम्मा उठाएंगे, जिम्मा उठाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, शॉपकीपर्स एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों ने सजाया है, ये खूबसूरत एक गेट लगाया है, इसके लिए तो लाखों रुपया शॉपकीपर्स का ही खर्च हो गया होगा। हजरत मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग को किसी भी शॉपकीपर से एक पैसे का चंदा नहीं दिया, जो कुछ दिया अपनी पॉकेट से किया, प्रॉफिट से किया। अच्छा जी, यानी एसोसिएशन की पॉकेट जो है वो मजबूत है, सरकार नजर आ रही है की पॉकेट नहीं है। पहली बात यह है, ये जो भारत है और जो दिल्ली है, ये हमारा घर है, परिवार है, और जब परिवार और घर की बात आती है, जेब भी देखा जाता है, आपकी बढ़ चढ़ के इसको मैं देख रहा हूँ। आपने ऊपर सामने ये जो गेट बनाया है, थोड़ा सा टर्न भी अगर आप करें तो बहुत खुशी के साथ आप सेलिब्रेटिंग इंडिया जे ट्वेंटी है, इसी तरह बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है कि आप लोगों ने कम से कम इस मौके पर ही सही, लेकिन आवाम को, पुरानी दिल्ली के लोगों को ये एहसास होने नहीं दिया कि आप जो नई दिल्ली का इलाका सरकार ने सजा दिया, हमारे पास कुछ जज्बा नहीं है कि हम नहीं सजाते। हम एक मैसेज और देना चाहते हैं कि सरकार से हम नहीं, हमसे सरकार, और बहुत शानदार, बहुत शानदार बात है। आदम ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि सरकार से हम नहीं, सरकार से है, ये चाहे राज्य की सरकार हो, ये चाहे भारत की सरकार हो, या आपकी सरकार, आपसे भी पूछना चाह रहे हैं इस मौके पर, ये खूबसूरत रंग बिरंगी जो आरोप लगाई है, आदम भाई हमारे भाई नाइट सदर, हम दोनों लोगों ने मिलकर इस आइडिया को यहाँ डेवलप किया और नीचे सामने आ गया। ये लेजर वगैरह जो सब सारा आइडिया इन्हीं का, ये लेजर फरहान भाई हमारे नायब सदर, ये सीधे नायब सदर है, अभी आ रहा हूँ उनके पास, जिनके पास भी आ रहा हूँ, आवाज सुना रहे थे आप, बताइए। Young is good. Young is good. And full of ideas. No, I suppose old also is very good. Yeah, yeah. The older the better. Older the better. G20 की मेजबानी जो इंडिया को, हमारे मुल्क को मिली है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा है दोस्तों, और एवरी इंडियन, एवरी इज सिंगल बाजार को सजवा दिया, चार चार आउटलेट था, अगर सरकार थोड़ा भी टाउन करती तो उसमें चार चार आउटलेट। बिल्कुल, मैं हकीकत में कहूँ तो ये जो दिल्ली शहर है ना, उसको आज अगर हम देखें तो नई दिल्ली का इलाका है, शहरों का इलाका बना दिया गया, यानी जो मीना बाजार की लहर पड़ती है, वहाँ जहाँ कभी किसी वक्त में पानी बहा करता था, वहाँ जहाँ कभी किसी वक्त में फवारे चलते थे, आज इसको उजड़ा चमन बना दिया, ये मैंने कल भी कहा था, जहाँ फवारे चलते थे वहाँ उजड़ा चमन हो गया, और जहाँ पर कभी देखा नहीं तो फवारे, वहाँ हमने देखा कि आज उनको फवारों का शहर बना दिया। खान साहब ने पहले तो एक शहर के साथ अपनी ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चरावों को जलाए रखना, लहू काटकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, समझिए वो भाई।
भाई अभी यहाँ पे भाई इंटरव्यू एंड हो चुका है। देखो भाई अभी अभी जितनी भाई पब्लिक वगैरह भाई सर सारी भाई भी घर वर पे आ रही है। देखो भाई एकदम यहाँ की डेकोरेशन और देख लो कितनी अच्छी हो रही है। देखो भाई ये देखो भाई गेट नंबर एक पे भाई देखो कितना क्राउड हो चुका है। ये देखो भाई और भाई एकदम यहाँ के लाइटिंग भी चेक कर लो। देखो भाई भाई एकदम पूरा रोड जाम कर दे भाई गाड़ियों से ये सब कुछ भाई क्राउड देखो कितना क्राउड हो गया। इसे कहते हैं सिस्टम। इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। तो भाई वीडियो भाई हमने पूरी दिखाई भाई माशाल्लाह से भाई क्या 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 हुआ सब कुछ दिखाया। तो भाई फिर अगर आपका वीडियो अच्छी लगा भाई वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू नेक्स्ट लोग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाय बाय।